ના 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 लोकांचा निषेधार्थ तसेच आपली बहीण आहे तिला श्रद्धांजली देण्यासाठी आपण या ठिकाणी जमलेला आहोत। उनके आने के बाद हम सब कैंडल को जलाएंगे, जब तक थोड़ा सा फंस सकता हूँ। तुम पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ भैया, भाई साहब थोड़ा सा ऐसा पीछे बैठ जाओ। सर को पीछे कर दो, मैं एक आदमी जा रहा हूँ ना। से गुजारिश है अपने पास काफी टाइम है, कोई मसला नहीं है। अकरम भाई, अकरम भाई बाजू सर को आज की श्रद्धांजलि सभा में मौजूद औरंगाबाद जिले के खासदार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदस्य इम्तियाज जलील साहब, मजलिस के तमाम जिम्मेदार, नहीं पाने मजलिस माजी कॉर्पोरेटर्स पदाधिकारी, तमाम भाइयों, नौजवान साथियों, आज हम यहाँ एक वाकया जो हथरस में पेश आया है, जो बहुत ही इबरतनाक है, बहुत ही दर्दनाक है, उस सिलसिले में जमा हुई है। हमारा यहाँ जमा होने का मकसद जिस वाल्मीकि समाज की बेटी पर योगी सरकार ने और वहां के गुंडों ने जो जुल्म ज्यादती की उसका निषेध करना है, उस बहन को श्रद्धांजलि देना। दोस्तों साथियों, ये मुल्क में क्या हो रहा है, ये देश किस रास्ते पे जा रहा है, जो हुकूमत में बैठे वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं। एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा, वाल्मीकि समाज की एक बेटी उस पर गैंगरेप होता है। 14 सितंबर का वाकया, इस मामले पर वो जो मीडिया है तो चीख चीख कर मोदी साहब की तारीफ करता, योगी साहब की तारीफ करता, कोई रिएक्शन नहीं देता। ये तो वाल्मीकि समाज, दलित समाज के बच्चे। जब जब इस देश में मुसलमान का, दलित का, आदिवासी का, बुद्धिस्ट का खून बहता है,
देखो सामने से हट जाओ सलीम भाई, उधर से आओ। ओ बस ओ बस तुम अभी जलाने से पहले ले लो वीडियो शूटिंग का पूरा है, अभी से लेना पड़ता फिर यार। आगे जाओ ना बस, रुकने के लगाना में लगा देते अभी, रुक जाओ। जी के नाम पर हो या मोदी के नाम पर हो कि भारतीय जनता पार्टी के नाम पर हो कि आगे से कपकल बच्चा हो या विश्व हिंदू परिषद हो, ये ज़हनियत के खिलाफ, इस सिस्टम के खिलाफ हमको जंग करना है। मनीषा भावी की कीमत, उसका गैंगरेप, उसकी जबान को काटना, गर्दन के मनकों को तोड़ना, कमर की हड्डी को तोड़ना और अफराद या खानदान की इजाजत के बगैर उसको शमशान भूमि में जगा देना, क्या आपका दिल नहीं धड़कता है? मेरा दिल धड़कता है। मनीषा भारतीय है, मनीषा हमारी बहन। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज द ग्रेट क्राइम दैट द पब्लिक प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैव बीन डिमोलिश्ड। बड़े दुख के साथ बात कही जाती है, जिन्होंने कानून की धज्जियां उठाई, जिन्होंने इबादत का को ढाया, इबादत का को तबाह किया, वो बढ़ रहे हैं। मुझे एक जल ले देगा, सबको ले देगा। जुलाई 2019 यानी कि पिछले साल जब लोकसभा का अधिवेशन चल रहा था तो वहां पर समाजवादी पार्टी के एक सांसद आजम खान साहब, उस वक्त स्पीकर एक लेडी थी और उन्होंने अपने तकरीर के दौरान कुछ ऐसे जुमले बोल दिए थे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद थे वो आग बबूला हो गए थे। आजम खान साहब ने ये कहा था कि ये स्पीकर जो एक महिला है वो मेरी बड़ी बहन के समान है। भारतीय जनता पार्टी वाले बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं थे। पूरा सांसद उन्होंने सर पर उठा लिया था। आजम खान साहब को मजबूर किया गया था कि आपने माफी मांगना चाहिए क्योंकि आपने महिलाओं के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किए थे। मैं उस वक्त मैं सांसद के अंदर मौजूद था। आजम खान साहब ने माफी मांगने के बाद भी जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं सांसद थी उन्होंने ये मांग किए थे कि आजम खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ एक जुमले के ऊपर अगर ये पूरी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगी पार्टी की अगर सिर्फ एक जुमले के ऊपर इतनी आग बबूला हो सकती है तो उसी भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर मेरी एक बहन की इज्जत लूटी जाती है और ये पूरे के पूरे खामोश बैठे हैं। इससे ज्यादा अफसोस और शर्म की क्या बात हो सकती है? ये घटना होने के बाद सरकार किस तरह से रातों रात उस बच्ची की लाश को जला दिया जाता है और उसके बाद उसके परिवार तक कोई पहुंच न सके, सच्चाई बाहर निकल न सके, तो पुलिस का किस नंगा नाच वहां पर देखने को मिल रहा है। ना मीडिया वालों को वहां पर जाने की इजाजत दी जा रही है, ना कोई और वहां पर जा सकता है, बल्कि हद तो यह हो गई है कि वहां का डीएम जाकर उसके परिवार वालों को धमकाता है।
दोस्तों जिस दौर के अंदर हम जी रहे हैं इस बात का हमें अंदाजा लगाना चाहिए। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, ये बलात्कार किसी एक बच्ची का हुआ है तो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका मजहब क्या है, ये मत देखो, क्योंकि बच्चियां तुम्हारे घर में भी है, बेटियां तुम्हारे घर में भी है, बेटियां हमारे घर में भी है, बहनें हमारे भी घर में है। अगर आज उसे राजनीति के चश्मे से अगर देखेंगे तो शायद कल बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आज जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया है कि आज हम एक ऐसे दौर के अंदर गुजर रहे हैं जहां पर डॉक्टर बाबा साहब का अंबेडकर जी का संविधान कहां है, कैसे खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे, या आप हर रोज देख रहे हैं इंसाफ की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर आज इस मुल्क के अंदर हमारा यकीन किसी के ऊपर है तो हाँ, हमारा यकीन सीबीआई पर था, हमारा यकीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, हमारा यकीन लोकसभा के ऊपर है, पार्लियामेंट के ऊपर है। लेकिन अगर यही संस्थाएं अगर खुलेआम अगर आज कानून की संविधान की धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं तो ये बहुत अफसोस की, शर्म की और बहुत एक खतरे की घंटी हमको सुनाई दे रही है। दोस्तों 500 साल पहले कैसी मंदिर गिराई गई थी, किसने मस्जिद बनाई थी, उसका पूरा ब्यौरा आपके पास है। 500 साल पहले क्या हुआ था इसका पूरा हिसाब आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है। लेकिन 28 साल पहले जब वो मस्जिद ढाई गई थी पूरी दुनिया ने देखा था, पूरी दुनिया देख रही थी टेलीविजन के ऊपर कि वहां पर कौन कौन लोग गए थे, कैसी कैसी बातें कही गई थी, कैसे कैसे नारे लगाए गए थे। और अगर आज अदालत ने यह फैसला कर दिया है कि ये नहीं, ये सब बाइज्जत बरी हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि आने वाला कल कैसा रहने वाला है। हम लड़ेंगे, हम इंशाल्लाह जितनी हमारी ताकत है हम लड़ेंगे। ये लड़ाई किसी एक मजहब की नहीं है, ये बलात्कार को हम किसी एक मजहब के चश्मे से नहीं देख रहे हैं। एक जवान बच्ची की इज्जत लूटी जाती है और रातों रात अगर उसके बॉडी को वहीं पर पुलिस की निगरानी के अंदर पुलिस के हाथों अगर उसे जलाया जाता है तो सोचिए उसके परिवार की पीड़ा, सोचिए उसके माँ बाप उसके घर वालों की क्या हालत होगी। ये एक बच्ची जिसका अंतिम संस्कार भी उनकी मौजूदगी में नहीं कराया गया है, ये अगर हुंडा राज नहीं है तो क्या है? और क्यों नहीं वही भारतीय जनता पार्टी के लोग बाहर निकलकर इसकी निंदा कर रहे हैं, क्यों नहीं वो लोग भी इस तरह का अपना गुस्सा जता रहे हैं? ये महज 40-50 लोग अगर हम यहां पर इकट्ठा हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि कल जब हमें परमिशन दी गई तो हमें बताया गया कि 20 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए, 30 लोग से ज्यादा नहीं रहने चाहिए। हम भी अगर चाहे तो आज औरंगाबाद शहर के तमाम जाति धर्म और मजहब के लोग सड़कों के ऊपर निकल कर आएंगे। अगर इसी तरह की जुल्म और ज्यादतियां चलती रही तो हमारी भी बर्दाश्त करने की एक सीमा है, हम भी एक हद तक बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जिस दिन हमारी बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो जाएगी तब हम भी सड़कों के ऊपर निकल आएंगे, जब हम देखेंगे कि जो कानून जिसकी जिम्मेदारी है रक्षा करना अगर वही भक्षक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जनता को समाज को सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। हमारे मतभेद होंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं और है, लेकिन उस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी के गिरेबान तक अगर पुलिस चले जाती है
अगर उसका गला पकड़ कर उसे नीचे गिरा देती है तो हम निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी को अगर गिराया गया है तो कांग्रेस के साथ हम भी इस मुद्दे के ऊपर खड़े हैं। और हम भी राहुल गांधी को ये कहना चाहते हैं कि हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, हमारे राजनीतिक मतभेद होंगे, लेकिन तुम्हारे गिरेबान तक अगर कोई हाथ डालेगा तो वो हाथ को काटने की ताकत मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के अंदर है। क्योंकि आज अगर वो राहुल गांधी तक पहुंच सकते हैं तो कल वो मेरे ख्याल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तक भी पहुंचने की हिम्मत रख सकते हैं। ये लड़ाई विचारों की, हमारे अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज इन मुद्दों के ऊपर हम सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत औरंगाबाद से हो, कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर औरंगाबाद में कहीं पर भी क्यों ना हो ये सोच ले कि अगर तुम्हारे घर में बेटियां हैं, तुम्हारे घर में अपनी बहनें हैं, तो तुम्हें इस घटना की निंदा करनी होगी। सियासत अपनी दौर के ऊपर चलेगी, ये चोर ये लुच्चे लफंगे आएंगे जाएंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेगा कल नहीं रहेगा, लेकिन अगर उसका समर्थन करेंगे तो सोचिए उन दरिंदों की हिम्मत कैसे बढ़ेगी। वो दरिंदों को लगेगा कि मुझे तो अगर सरकार की ताकत मेरे साथ में है तो मैं ऐसे ही बलात्कार करते जाऊंगा। और सिर्फ एक ही नहीं, यही मनीषा नाम की लड़की नहीं, हम राय रोज उत्तर प्रदेश के अंदर, बलरामपुर के अंदर, भदोही के अंदर हर रोज इस तरह की बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर इनकी निंदा नहीं की गई, अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से हटाया नहीं गया, तो हम तो ये समझेंगे कि इन बलात्कारियों का समर्थन इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी कर रहे हैं। इन दरिंदों की हिमायत वो लोग भी कर रहे हैं। कहां है वो स्मृति ईरानी जिसने आजम खान के एक जुमले के ऊपर लोकसभा के अंदर इतना हंगामा खड़ा कर दिया था? अगर तू महिला है तो तुझे बाहर निकलकर इस बच्ची के दरिंदे जितने भी थे इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। अगर तुम नहीं बोलेंगे तो अगले अधिवेशन के अंदर तुम्हें हमारा भी सामना करना पड़ेगा, हमारे भी सवाल रहेंगे और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे कि किस तरह से हम एक कानून एक के लिए लगाएंगे और दूसरा कानून दूसरे के लिए लगाएंगे। मैं तमाम औरंगाबाद की आवाम से यह अपील करना चाहूंगा, इस तरह के छोटे छोटे हम लोग तो हम जानते हैं कि कोरोना का पीरियड है, हम भी जितनी एहतियात बरतना है उतनी एहतियात हम बरतेंगे, लेकिन एक संदेश यहां से पूरे मुल्क के अंदर जाना चाहिए कि यह जुल्म ज्यादती इस तरह का हुंडा राज बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। ये सत्ता में बिठाने वाले यही जनता है, जिस दिन ये जनता सड़कों के ऊपर निकल आएगी तो इनके अंदर इतनी ताकत है कि ये सत्ता को नीचे भी ला सकते हैं, सत्ताधारियों को नीचे भी खींच सकते हैं। बस आप लोग यहाँ पर आए और एक ऐसे कार्यक्रम का एक हिस्सा बने जिसे देखकर सुनकर बहुत अफसोस होता है और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर अदालतें भी ऐसी फैसले देने लगे, अगर पुलिस इस तरह का काम करने लगे, अगर सीबीआई ये कहने लगे कि अब कुछ नहीं, तो सोचिए मुल्क कहाँ जा रहा है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित जितने भी लोग हैं, हम सबको ये मुल्क बचाना है। ये मुल्क बचाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर आना है। इतनी भक्ति के अंदर मलिन मत हो जाओ, नरेंद्र मोदी साहब को अपना भगवान मत समझो। यही वजह है कि आज तुमने इतना ऊपर उसे चढ़ा दिया है कि उसे जमीन के अंदर क्या हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा, इतनी ऊपर उसे पहुंचा दिया है कि खेत के अंदर एक जवान बच्ची को चार चार दरिंदे नोचते हैं तो उसे वो नजर नहीं आता है। दोस्तों, सभी लोगों को, सभी भारतीयों को एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा, तभी जाकर हम इन दरिंदों का मुकाबला कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्दैव हे आहे की देशामध्ये जे आज चाललेला आहे ते येणारा काळ कशा होणार आहे त्याची एक झलक आहे आम्हाला वाटतं। काही दिवसापूर्वी बाबरी मस्जिदचा निकाल आला, 28 वर्षापूर्वी आम्ही सगळ्यांनी बघितलं होतो, टेलिव्हिजनवर लाईव्ह टेलिकास्ट होतो,
सारा जग बघितलं होतं की कशा कोण लोक होते ते पांड्यामध्ये आणि कोर्टाचा निर्णय येतो की नाही कोणी नाही होते ते त्यांना समजावण्यासाठी गेले होते आणि सगळ्यांना निर्दोष सोडण्यात आलेला आहे. आमचा विश्वास सुप्रीम कोर्टवर आहे, आमचा विश्वास सीबीआयवर आहे, आमचा विश्वास लोकसभे आणि पार्लमेंटवर आहे आणि हेच संस्था आम्हाला असा धोका देत असेल तर हे खूप काळजी करण्याची वेळ आलेली आहे. आणि काही दिवसानंतर जेव्हा हे बातमी येतं की एका युतीला चार चार नरभक्षक असे इस तरहचा तिच्यावर बलात्कार करतो, सामूहिक बलात्कार करतो आणि एका रात्री त्यांच्या परिवाराला ना बोलवते ते त्या मुलीला त्याचा अंतिम संस्कार करण्यात येते आणि पोलिसांच्या वतीने हे सगळ्यात करण्यात येते आणि त्याच्यानंतर कुणालाही त्या परिवाराला भेटण्यासाठी परवानगी दिली जात नाही. तिकडच्या डीएम जे आहे ते तिथे जाऊन त्या परिवाराला धमकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर हे गुंडाराज नाही आहे तर काय आहे? मला फक्त हे सांगायचं आहे की मी एमआयएमचा खासदार आहे पण याचा अर्थ हे नाही आहे की आज माझी अपेक्षा हे आहे की माझ्या शहरामध्ये राहणारा चाहे ते भारतीय जनता पार्टीचा असू द्या, शिवसेनेचा असू द्या, काँग्रेसचा असू द्या, राष्ट्रवादीचा असू द्या, सगळ्यांनी रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे. भारतीय जनता पार्टीचे लोक का रस्त्यावर येत नाही? का त्यांच्या घरी मुली नाही आहे का? त्यांच्या घरी बेटी नाही आहे का? त्यांच्या घरी बहीण नाही आहे का? हे सगळं आपण धर्माच्या आणि राजनीतिकच्या चष्म्यामध्ये बघण्याचा प्रयत्न करत असेल तर हे वाईट दिवस येणार आहे की बलात्कार झालाच नाही अशी काही याच्यापेक्षा देखील हद तो ये हो गई है कि आप ये कहते हैं कि बलात्कार हुआ ही नहीं है. अगर बलात्कार हुआ नहीं है तो आपने बॉडी बच्चे के परिवार वालों को क्यों नहीं दिए? अगर बलात्कार हुआ नहीं तो आपने रातों रात ऐसी पुलिस की सुरक्षा के बीच में आपने वो बच्ची का अंतिम संस्कार क्यों किया है? अब तो ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तो किसी ने गिराई नहीं, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद किसी ने नहीं, उस दिन हवा तेज चल रही थी, बाबरी मस्जिद गिर गई. अगर इस तरह से अगर जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और एक गुंडा राज पूरे देश के अंदर फैलाया जा रहा है तो इससे ज्यादा निंदनीय और क्या बात हो सकती है. न्यायपालिकेवर विश्वास नाही आहे, राहुल गांधीच्या पार कॉलर पर्यंत हात गेलेला आहे, मग त्यानंतर बलात्कार करणाऱ्या सरकार किंवा न्यायपालिकेचा विश्वास तोडणाऱ्या लोकांना काय करायला पाहिजे? देखिए, राहुल गांधी एक इस देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष है. अगर उनके गिरेबान तक अगर पुलिस हाथ लेकर जाती है, उनका गला पकड़ लेती है, उनको गिरा देती है, तो सोचिए आप कि आज पुलिस की कितनी हिम्मत हो गई है कि कभी, मैं नहीं समझता हूं कि 70-75 सालों के अंदर कभी इस तरह का पुलिस का नंगा नाच और सरकार का नंगा नाच हमको देखने को मिला है. हम तो स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं जितनी संस्थाएं हैं ये पूरा रिमोट कंट्रोल द्वारा भारतीय जनता पार्टी चला रही है. इन संस्थाओं का इंडिपेंडेंट जो एक रोल हुआ करता था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है. अब ये बताते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर आप सबको छोड़ रहे हैं, इसी तरह से अगर आप राहुल गांधी को ढकेल के नीचे गिरा रहे हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल अगर वो उनके गले का तक जा सकते हैं, उनका गिरेबान पकड़ सकते हैं, तो परसों के दिन वो हमारा भी गिरेबान पकड़ने की हिम्मत कर सकते हैं. सर, पक्षाचा नेमका स्टँड काय असणार? देखिए साहब, हम तो यही कहेंगे कि हमारी उम्मीद है कि इस मुद्दे के ऊपर तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम जाति धर्म और मजहब के लोग जो है वो सब एक साथ मिलकर बाहर आने की जरूरत है. वरना वो बच्ची भले ही हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन किसी ना किसी की तो बेटी है. आज मुझे भी चिंता होती है कि आज कितने सारे लोगों के घर में, जिनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, आज कहीं ना कहीं उन्हें भी ये डर सता रहा होगा कि अगर ये बलात्कारियों को सरकार का ही समर्थन हासिल है तो फिर ये गुंडाराज नहीं है तो क्या है. अगर हम सब एक साथ मिलकर आए और इसके ऊपर हम एक सरकार के ऊपर दबाव डालें कि योगी आदित्यनाथ को निकाल कर बाहर फेंके और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. लेकिन आपण पाहतो की बाहेरच्या देशांमध्ये जर अशा अत्याचारच्या घटना घडल्या तर फसाव लटकवलं जातं, सरकलम केलं जातात, तर भारतामध्ये असं काय नाही, काय करणार? सर, हमारी तो मांग आहे सर, लेकिन हम तो क्या है कि हम जब बोलते हैं तो बहुत कड़वा लगता है. हम तो ये कहते हैं कि उनको क्रांती चौक के ऊपर लेकर आया जाए जितने भी बलात्कारी है और उनको सरेआम फांसी के ऊपर लटकाया जाए. ये इस्लामी कानून है. लेकिन अगर हम कहेंगे तो देखिएगा, ये आप एक दो जनों को चौराहे के ऊपर लाके फांसी के ऊपर लटकाइए साहब, देखिएगा ये बलात्कारियों की हिम्मत कैसी टूटती है करके. आपने जो सवाल किया है कि
विजया राहटकर जो भारतीय जनता पार्टी की वुमेन्स कमीशन की ये चेयरपर्सन रही है, वो मेरे औरंगाबाद शहर की है। और वुमेन्स कमीशन का मतलब ये होता है कि महिलाओं के ऊपर जहां पर भी कोई पीड़ा होती है, उनके खिलाफ अगर कोई शिकायतें दर्ज होती है महिलाओं के खिलाफ, उसका निराकरण ये वुमेन्स कमीशन करता है, महिला आयोग करता है। और वही महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष अगर आज खामोश बैठी है तो इससे ज्यादा और क्या दुर्दैव होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।